गोरखपुर एवं बस्ती मंडल के कोविड-19 की समीक्षा बैठक प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में संपन्न हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि प्रतिदिन 500 से 1000 रैपिड टेस्ट कराया जाए तथा स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग आदि का कार्य नियमित रूप से चलाया जाए। अस्पतालों में बेडों की संख्या को और बढ़ाया जाए। प्रत्येक कोविड केस की जाँच हो और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और बेहतर किया जाए। मास्क का प्रयोग न करने वालों का चालान किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड अस्पतालों में साफ सफाई, समय से भोजन एवं डॉक्टरों के द्वारा नियमित रूप से राउंड कर मरीजों की जांच की जाए तथा होम आइसोलेशन के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए तथा पानी उबाल कर पीने के लिए भी जागरूक किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां 10 से अधिक लोग इकट्ठा हो रहे हैं वहां पर कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य रूप से बनाया जाए। हेल्प डेस्क पर पल्स ऑक्सीमीटर एवं इंफ्रारेड थर्मामीटर की व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर वार्ड ग्राम पंचायतों में नोडल अधिकारी तैनात किया जाए तथा निगरानी समिति की ओर और एक्टिव करते हुए सर्विलांस का कार्य और बेहतर किया जाए। मुख्यमंत्री ने डोर टू डोर सर्वे पर बल देते हुए कहा कि इस समय कोविड-19 के दृष्टिगत चुनौतियां बहुत अधिक हैं, इसलिए और सतर्क रहने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल इन्फेक्शन ना फैले इसके लिए लगातार IMA, नर्सिंग होम एसोसिएशन एवं प्रशासन एक दूसरे से संवाद करते रहे और नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पताल कोविड मरीजों को रेफर करने की सूचना कंट्रोल रूम को दे। मुख्यमंत्री ने जनपदवार कोरोना संक्रमण से बचाव के कार्यों, बेडों की संख्या, डोर टू डोर सर्वे, कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, खाद्यान्न वितरण की स्थिति, रोजगार उपलब्ध कराने की स्थिति की जानकारी लेते हुए कहा कि खाद्यान्न माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करते हुए NSA लगाया जाए तथा हर गरीब को खाद्यान्न मिले और खाद्यान्न वितरण नोडल अधिकारी की देखरेख में किया जाए। उन्होंने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की समीक्षा के दौरान सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद में सेवायोजन विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए और प्रतिदिन उनमें समीक्षा भी की जाए। उन्होंने कहा कि उद्योगों को चिन्हित कर लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि हर सस्पेक्टेड की जांच सुनिश्चित की जाए, निगरानी समिति द्वारा तत्काल बाहर से आए लोगों की सूचना उपलब्ध कराया जाए तथा सर्वे का कार्य लगातार चलता रहे। मुख्यमंत्री ने IMA एवं नर्सिंग होम एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा कोविड अस्पताल के संचालन के लिए जो भी सहायता जिला प्रशासन से मांगी जा रही है उसे उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने डेड बॉडी के निस्तारण पर कहा कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत डेड बॉडी का निस्तारण शीघ्रता से कराया जाए। BRD मेडिकल कॉलेज एवं बस्ती मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं को और बढ़ाया जाए। बैठक में ADG दावा शेरपा, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, मंडलायुक्त बस्ती अनिल सागर, DIG राजेश डी मोदक, जिलाधिकारी गोरखपुर के विजेंद्र पांडियन, सिद्धार्थनगर दीपक मीणा, देवरिया अमित किशोर, महाराजगंज डॉक्टर उज्ज्वल कुमार, कुशीनगर भूपेंद्र एस चौधरी, संत कबीर नगर रवीश गुप्ता तथा जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं IMA एवं नर्सिंग होम एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा
देखिए, ये एक माह में दूसरी, इसी माह में दूसरी बैठक है जो कि कोविड संक्रमण से बचाव और इंसेफ्लाइटिस से बचाव के लिए की गई है। और बैठक में जो मुख्य निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने सातों जिलाधिकारियों, दोनों मंडलों के मंडलायुक्त और बाकी स्वास्थ्य विभाग की टीम को दिए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जोर जो है वो सर्विलेंस, जो सर्विलेंस अभियान चल रहा है उस पर, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर, रैपिड किट जो सारे सातों जनपदों को दी गई है उसके प्रयोग पर, और टेस्टिंग स्मार्टली करने पर दी गई है जिससे कि किसी भी प्रकार की कोविड मृत्यु ना हो और मरीजों को हम जल्दी से जल्दी ठीक करके उनके घर भेज सकें। और इस हेतु बहुत डिटेल में समीक्षा की गई है और हम आशा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश का अच्छरसा पालन धरातल तक होगा, गांव-गांव तक होगा और हमारी सर्विलेंस टीम रैपिड किट का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा जो संक्रमण से बचाव कर पाएंगी, पॉजिटिव केसेस की पहचान करेंगी और उनको जल्दी से डायग्नोस करके जल्दी से उपचार करेंगे जिससे कि किसी भी विलंब के कारण जो संक्रमण का फैलाव हो जाता है कुछ प्रकरणों में वो नहीं हो और मृत्यु से बचा जा सके।